ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, आपका कोई भी किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, अगर वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आप अपनी जीमेल की या फिर गूगल के अकाउंट में लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, आपको एक जीमेल की ऐप दिखाई देगी। सबसे आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों, सबसे आसान तरीका यही है, जीमेल की आपको एक ऐप दिखाई देगी। अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई देगा, अगर आपने पहले से किसी और अकाउंट में लॉगिन कर रखा है तो। अगर नहीं कर रखा होगा तो सीधा आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर कर रखा है तो उसके बाद आपने इस पर क्लिक करके ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी लिस्ट दिखाई देंगी। सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा गूगल का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी जीमेल आईडी डाल देनी है, यानी कि जिससे आप अपने गूगल के अकाउंट में लॉगिन करेंगे, वो अपनी जीमेल आईडी आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके पीछे @gmail.com लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूज़र नेम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद फिर आपको नीचे दिए गए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम भी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डालना है आपने अपना अकाउंट का पासवर्ड, यानी कि अपने जीमेल का पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे दिए गए नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक फ़ोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से यस आई एम इन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और अगर नहीं करना चाहते तो सीधा इस पर स्किप पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। सीधा आपने नीचे आई एग्री पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आएगी। भी फिलहाल यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, आपको दोबारा से टॉप राइट कॉर्नर के इस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए जो आपने जीमेल आईडी डाली थी वो भी लिस्ट में यहाँ पर शो होगी, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए अब आपकी वो जीमेल आईडी ऐप में ओपन होगी जो आपने फिलहाल ही ऐड करी थी। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें अगर आपने पहले से कोई भी आईडी ऐड नहीं कर रखी होगी तो सीधा जीमेल की ऐप ओपन करते ही आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो फिर तो आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सीधी अपनी जीमेल आईडी आपने वहाँ पर एंटर डाल के, अपना पासवर्ड डाल के सीधा लॉगिन कर लेना है। और अगर आपने पहले से कोई और आईडी से लॉगिन कर रखा है और किसी नए अकाउंट को भी आप अपनी जीमेल में, यानी कि अपने एंड्रॉयड डिवाइस में ऐड करना चाहते हैं, तो फिर जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है इस प्रोसेस को आपने फॉलो कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप जो नया अकाउंट ऐड करेंगे उस पर क्लिक करके उसका जीमेल इनबॉक्स खोल सकते हैं। और उसके बाद देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, इन पर क्लिक करके आपको पूरी लिस्ट भी शो जाएगी, जैसे कि आपका इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स, ये पूरी लिस्ट शो जाएगी। तो इस पर क्लिक करके अलग अलग यहाँ पर इनबॉक्सेस में आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से बैक जाकर दोबारा भी आप जीमेल आईडी को ओपन करेंगे तो तब भी आपको वही इनबॉक्स यानी वही अकाउंट दिखाई देगा जिसमें आपने वापस से बैक यानी कि ऐप से बाहर आने से पहले जो आपने ओपन कर रखी थी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एक से ज़्यादा अकाउंट में स्विच भी कर सकते हैं। वहाँ पर जो मैंने बताया था उसी ऑप्शन पर आपने ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में क्लिक करके लिस्ट आ जाएगी, जिस भी जीमेल आईडी या गूगल अकाउंट में आपने क्लिक करके उसे ओपन करना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही वो आपकी जीमेल में ओपन हो जाएगा। और सिर्फ जीमेल में ही नहीं, जिस अकाउंट को आप जीमेल में ओपन करेंगे ना, वही अकाउंट फिर पूरा, यानी कि वो गूगल का अकाउंट, फिर जितने भी अगर यूट्यूब ओपन करेंगे तो यूट्यूब भी उसी अकाउंट से ओपन होगी, गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर भी उसी अकाउंट से ओपन होगा। तो ये जस्ट मैंने आपको आसान तरीका बताया, जीमेल के थ्रू आप लॉगिन कीजिए और फिर उसी लॉगिन के थ्रू आपके जो है एंड्रॉयड के यानी कि गूगल के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप उसी आईडी के थ्रू लॉगिन, ऑटोमेटिक ही लॉगिन हो जाएगा। आपको अलग अलग ऐप में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि प्ले स्टोर, यूट्यूब या जितने भी गूगल की सर्विसेज हैं सभी आप इसी लॉगिन के थ्रू यूज़ कर पाएंगी। दोस्तों अगर इस वीडियो से टेढ़ा के मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा।
और जाने से पहले प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नई वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जीमेल या फिर गूगल के ऊपर एक यही वीडियो नहीं, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। और सिर्फ गूगल के ऊपर ही क्यों, इसके अलावा भी बैंकिंग, गवर्नमेंट ऐप्स, पोर्टल्स और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी, जिसमें आपको डेली लाइफ की जो आपके काम है वो बहुत ही आसान हो जाएंगे और उन्हें करने के लिए आपको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उन कामों को ऑनलाइन कर पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जरूर गो थ्रू कीजिएगा और सभी वीडियोज़ को एक बार देखिएगा, उनमें से हो सकता है आपके काम की कोई ना कोई वीडियो निकल जाए। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जरूर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।